हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। वैसे तो ये चैप्टर स्टूडेंट को बहुत टफ लगता है, लेकिन मेरा वादा है कि अगर आप मेरे इस ट्रिक वाले वीडियो लेक्चर को देख लोगे तो आपको इससे ईजी कोई और चैप्टर नहीं लगेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में। तो पहले तो समझ लो कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। देखो, सिंपल अगर मैं समझाऊं तो आपका मोबाइल जब चार्जिंग हो रहा होता है तो डैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। सिंपल फील करो, जब मोबाइल चार्जिंग में है तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का वर्क कर रहा है। डैट मीन्स वहां पे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हो, किसमें? केमिकल एनर्जी में। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या क्या ट्रिक्स हैं सर आपके। तो वेरी सिंपल ट्रिक्स है और बहुत छोटे छोटे। पहला पॉइंट तो पाव, जो बड़ा पाव आप सुबह नाश्ते में ले तो पाव वर्ड याद रखना। पाव का मतलब यहाँ पे क्या है? पी फॉर पॉजिटिव, ए फॉर एनोड, ओ फॉर ऑक्सीडेशन। तो पहला चीज क्लियर हो गया, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन रहता बच्चों को कि ऑलवेज जो एनोड होगा वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट होगा और उस पर ऑलवेज क्या होंगे? ऑक्सीडेशन। जैसे यहाँ पे ध्यान से देखो, आपने ये बैटरी को कनेक्ट किया, राइट? ये हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ले रखा है, ये दो इलेक्ट्रोड हो गए और बैटरी किसी एक्सटर्नल सोर्स से आपने कनेक्ट किया, तो बैटरी का बड़ा वाला डंडा जो होता है वो प्लस साइन से, तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? एनोड। याद रख लेंगे तो डेफिनेटली जो दूसरे वाला हो जाएगा जो निगेटिव होगा और क्या हो जाएगा वो? कैथोड। नाउ नेक्स्ट पॉइंट कि एन ऑक्स रेड कैट। एन ऑक्स का मतलब क्या? देखो, एन से एनोड, ऑक्स से ऑक्सीडेशन। ओके, रेड कैट मतलब रिडक्शन एट कैथोड। तो किसी को अगर कंफ्यूजन हो तो ऑलवेज इस राइमिंग वर्ड से याद रख सकता है, एन ऑक्स रेड कैट। डैट मीन्स एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा चाहे कुछ भी हो जाए, और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन होगा चाहे कुछ भी हो जाए। नाउ थर्ड पॉइंट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि एग्जाम में अगर आपसे पूछा गया कि आपने एक्वस सॉल्यूशन लिया किसी इलेक्ट्रोलाइट का, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है? सिंपल, पानी में आपने किसी सॉल्ट को डाल दिया है। तो अगर पानी में किसी सॉल्ट को डाल दिया, सॉल्ट में क्या होंगे? प्लस और माइनस। तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज करोगे तो एनोड पे क्या मिलेगा, कैथोड पे क्या मिलेगा, उसके लिए रफी सर का ट्रिक, सीबीआई एंड छापा। देखो वेरी कनेक्टेड वर्ड है, सीबीआई का काम क्या है? छापा मारना। कैसे? ध्यान से देखो, सीबीआई का मतलब क्या है? अगर सीएल माइनस आपके सॉल्यूशन में, डेट मीन्स यहाँ पे अगर कहीं पे भी सीएल माइनस है या बीआर माइनस है या आई माइनस है तो फिर यही ऑक्सीडाइज होंगे। अगर इन तीनों आयंस में कोई भी प्रेजेंट होगा तो यही ऑक्सीडाइज होगा। अगर ये तीनों आयंस में से कोई भी नहीं है तो फिर उस केस में वाटर ऑक्सीडाइज होंगे। O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीडाइज अगर वाटर होगा तो क्या मिलेगा? ऑक्सीजन गैस। और अगर इन तीनों में से कोई है ये ऑक्सीडाइज होंगे तो क्या मिलेगा? क्लोराइड आयन होगा तो Cl2 गैस, ब्रोमाइड आयन होगा तो Br2 गैस, आयोडाइड आयन होगा तो I2 गैस। नाउ एक और क्वेश्चन उठता है कि सर अगर दोनों तीनों प्रेजेंट है तो क्या होगा? तो इसलिए मैंने इस ऑर्डर में लिखा, अगर तीनों प्रेजेंट है तो सबसे पहले I माइनस ऑक्सीडाइज होगा, फिर Br माइनस, फिर Cl माइनस। तो इसलिए CbI उसी ऑर्डर में लिखा है मैंने आपके लिए कि अगर तीनों प्रेजेंट है तो सबसे पहले I ऑक्सीडाइज होगा, फिर उसके बाद Br, फिर उसके बाद क्लोरीन। तो आई होप क्लियर होगा। और अगर ये तीनों आयंस में से कोई भी नहीं है तो क्या होगा? वाटर ऑक्सीडाइज होंगे, और वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिलेगा? O फॉर ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन। नाउ सर कैथोड पे क्या होगा वो बताओ। तो हमने क्या बोला कि सीबीआई का काम क्या? छापा मारना। छापा मतलब अगर ये मेटल के कैटायन प्रेजेंट है, कॉपर प्लस टू, मरकरी प्लस टू, एजी प्लस, अगर सॉल्यूशन में ये सब अगर प्रेजेंट है तो फिर यही रिड्यूस होंगे, और रिड्यूस होकर के क्या देंगे? कॉपर मेटल, मरकरी मेटल या सिल्वर मेटल आपको देंगे। अगर ये कैटायन नहीं है तो क्या होगा? तो वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन ले रखा हमने तो वाटर तो ऑलवेज प्रेजेंट है, राइट? तो वाटर उस समय रिड्यूस होंगे, और वाटर रिड्यूस होंगे तो क्या मिलेगा? H2, क्योंकि रिडक्शन का मतलब है क्या? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो रिड्यूस होंगे तो H2 गैस मिलेगा, इसलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट को अगर आप इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हो तो आपको कैथोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे क्या मिलेगा, उसके लिए सिंपल ट्रिक है छापा एंड सीबीआई। क्लियर है? फोर्थ पॉइंट जो वेरी सिंपल है, AA का मतलब क्या है कि ऑलवेज एनोड पे कौन आएगा? एनायन। जैसे यहाँ पे आपने पहचान लिया एनोड,
तो एनोड पे एनायन क्यों आएंगे, ध्यान से देखो, एनोड पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, राइट, और एनायन पे कौन सा नेगेटिव, तो अभी साथ है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव के पास पॉजिटिव तो भूल से भी नहीं आएंगे, क्यों, रिपेल हो जाएंगे। इसलिए हमने इस डायग्राम में ऐसे दिखाया कि माइनस को प्लस वाले के साइड दिखाया है, राइट, और प्लस को माइनस वाले के साइड दिखाया, क्योंकि वो खुद ही जैसे बैटरी ऑन करोगे ये खुद ही अपने आप को रीअरेंज कर करके सेपरेट हो जाएंगे, और अगर बैटरी ऑफ रखोगे तो फिर ये मिक्स रहेंगे, राइट। तो इसलिए ये वर्ड का मतलब यही है फोर्थ पॉइंट का कि एनोड पे एनायन जाएंगे और कैथोड पे कैटायन जाएंगे, इसलिए ये याद रखना बहुत ईजी है, डबल ए डबल सी, एनोड पे ऑलवेज एनायन आएंगे, कैथोड पे कैटायन जाएंगे। नाउ फिफ्थ पॉइंट कि अगर सर एक्वस नहीं होगा तो क्या करेंगे, नाउ द क्वेश्चन इज कि एक्वस नहीं हुआ, मॉल्टेन लिख दिया कहीं पे या कंसनट्रेटेड लिख दिया, तो इसका मतलब है कि वाटर है ही नहीं, और अगर वाटर नहीं है तो आप खुद ही सोचो फिर क्या होगा, जो कैटायन और एनायन सॉल्ट में प्रेजेंट है वही रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के लिए जाएंगे। इसको सिंपल अगर एक डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करूं, जैसे सपोज करो आप और आपके भाई, छोटे भाई घर में हैं और किसी ने डोरबेल बजाया, राइट, तो आपका छोटा भाई खोने जाएगा, क्यों, अवेलेबल है। अगर सपोज करो ऐसा कंडीशन होगा कि आपका छोटा भाई अवेलेबल नहीं है तो फिर आपको ही जाना पड़ेगा, तो वही चीज़ है यहाँ पे। यहाँ पे एक पॉइंट और हमने समझाया कि मान लो कि मैंने एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस किया, किसका, एक्वस NaCl, समझ गए, ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, जो खाने वाला नमक है उसको पानी में डाल दिया, उसको इलेक्ट्रोलिसिस किया, तो क्या मिलेगा, तो देखो आपके पास सॉल्यूशन में क्या क्या है, एक तो Na प्लस है, Cl माइनस है और वाटर है, क्योंकि एक्वस की बात कर रहे हैं, ये तीन चीज़ें। अब तुम ही सोचो एनोड पे AA, एनोड पे कौन आएगा, एनायन, एनायन इसमें कौन है, Cl माइनस, राइट, और वाटर तो बाय द वे दोनों ही इलेक्ट्रोड को घेर रखा है, राइट, वाटर तो हर जगह है, तो अब Cl माइनस CbI का पार्ट है, यस है सर, तो Cl माइनस आपका ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होकर के क्या दे देगा, Cl2 गैस, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो जाएंगे। उसके बाद कैथोड पे अगर बात करें तो कैथोड पे कौन जाएगा, कैटायन, कैटायन कौन है, Na प्लस, राइट, ये गया, लेकिन क्या ये रिएक्शन हो गई, तो नहीं, क्यों, क्योंकि सोडियम एक मेटल है और सोडियम मेटल है तो वो इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाहेगा, यहाँ पे आप क्या करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन उसको बोल रहे हो लेने को, जो कि उसके इज्जत के खिलाफ हो गया, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। अब ये रिएक्शन नहीं होगी तो किस, कौन सेक्रीफाइस करेगा, वाटर, तो वाटर अगर सेक्रीफाइस करेगा तो रिडक्शन हो रहा है, तो कौन सी गैस मिल जाएगी, H2। तो अभी एट प्रेजेंट अगर एक्वस NaCl को हम इलेक्ट्रोलाइज करें तो आपको क्या मिलने वाला है, एनोड पे Cl2 गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, नॉट सोडियम, बट अगर यहीं पे मैं मोल्टेन या कंसनट्रेटेड लेता तो फिर एनोड पे तो Cl2 गैस ही रहता, वही एनायन प्रेजेंट है, और कैथोड पे अब जबरदस्ती किसको आना पड़ता, सोडियम को, लेकिन ये जो रिएक्शन होती वो आपका कम वोल्टेज पे नहीं होती, वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता, बस यही डिफरेंस होता। तो आई होप इस ट्रिक से आप इजीली पहचान लेंगे कि एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है और कैथोड पे कौन सा। चलिए अब हम इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं, तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो ध्यान से देखो कि हमने 10 इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो इलेक्ट्रोलाइट किस कंडीशन में वो भी लिखा है, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज किया है वो भी हमने लिखा है, कैटायन कौन है, जस्ट ईजी है ये, एनायन कौन है, और प्रोडक्ट क्या मिलेगा एनोड कैथोड पे। तो ध्यान से देखो, पहले वाले केस में इलेक्ट्रोलाइट कॉपर नाइट्रेट लिया और एनर्ट इलेक्ट्रोड है, जनरली क्वेश्चन में अगर कुछ मेंशन नहीं है तो एनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, या ग्रेफाइट का हो या प्लेटिनम का तो वो भी एनर्ट इलेक्ट्रोड माना जाता है। तो यहाँ पे कैटायन आपके पास कौन हो गया, कॉपर प्लस टू, और एनायन NO3 माइनस नाइट्रेट आयन, तो यू नो कैटायन कैथोड पे जाएंगे, CC कैटायन कैथोड पे जाएंगे, और ये छापा का पार्ट है तो कैथोड पे आपको क्या मिल जाएगा, कॉपर। एनायन एनोड पे जाएंगे AA, बट ये CbI का पार्ट नहीं है, तो एनायन ऑक्सीडाइज नहीं होगा, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा, तो क्या मिल जाएगा, O2, क्यों, क्योंकि ये एक्वस था, राइट, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट, अगर मॉल्टेन कॉपर सल्फेट लिए, मॉल्टेन कॉपर सल्फेट और एनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, तो यू नो कॉपर प्लस टू है और सल्फेट आयन है, मॉल्टेन है डेट मीन्स वाटर है ही नहीं, तो कैथोड पे तो कैटायन जाएंगे, कैथोड पे कैटायन, वैसे भी छापा का पार्ट है ये, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एनोड पे एनायन सल्फेट आयन ये जाएंगे, बट यहाँ पे चूंकि वाटर है नहीं तो इसलिए ऑक्सीजन गैस आपको नहीं मिलने वाला, यहाँ पे सल्फेट को ही ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा,
और परऑक्सी लिंकेज बन जाएगा H2OH2-, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सल्फर ऑलरेडी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ऑक्सीडेशन किसका होगा? ऑक्सीजन का। तो यहाँ पे सारे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? -2। यहाँ पे कुछ ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? -1, परऑक्सी लिंकेज होने की वजह से। नाउ नेक्स्ट, अगर एक्वस AgCl लिया तो एनाट इलेक्ट्रोड है, तो Ag+ और Cl- है, राइट? तो कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन आपका Ag+ है और छापा का पार्ट है तो यही मिल जाएगा। एनोड पे एनायन आएंगे, Cl-, इसी भी आएगा पार्ट है तो Cl2 गैस मिल जाएगा, राइट? अगर मॉल्टेन AgCl लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एनाट इलेक्ट्रोड मॉल्टेन है, तो यहाँ पे बाय द वे यही दोनों ही होंगे, राइट? तो कैथोड पे कैटायन जाएंगे तो सिल्वर मिलेगा, एनोड पे एनायन आएंगे तो Cl2। तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा, क्यों? चाहे एक्वस लो या फिर मॉल्टेन लो, क्योंकि यही दोनों ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने वाले। नेक्स्ट, NaCl एक्वस लिया, एनाट इलेक्ट्रोड, तो हमारे पास Na+ है, Cl-। ध्यान से देखो, कैथोड पे कैटायन, अब कैटायन आपका रिड्यूस नहीं हो सकता, राइट? तो कौन होगा? क्यों? क्योंकि छापा का पार्ट नहीं है, तो कौन होगा? वाटर। वाटर रिड्यूस होगा तो क्या मिलेगा? हाइड्रोजन गैस। और एनोड पे एनायन जाएंगे, एनायन Cl- है, CbI का पार्ट है वो, तो Cl2। नेक्स्ट, NaCl एक्वस तो है, बट हमने अब इलेक्ट्रोड का कंडीशन चेंज किया। ध्यान से देखो, एनोड आपका एनर्ट है और कैथोड मरकरी का बनाया, तो एनोड पे पहले कौन जाएगा? एनोड पे एनायन जाएगा आपका, राइट? एनोड पे एनायन जाएंगे और एनायन आपका CbI का पार्ट है, इसलिए Cl2 आपको मिल जाएगा। कैथोड पे कैटायन जाएंगे, और कैथोड यहाँ पे एनर्ट नहीं है, मरकरी का है, और यू नो सोडियम मरकरी में डिजोल्व हो जाता है, जिसको सोडियम अमलगम बोलते हैं, तो यहाँ पे बाय द वे आपको सोडियम ही मिलेगा, क्योंकि सोडियम ये रिएक्शन फॉरवर्ड में चले जाएंगे, जैसे ही थोड़ा सा सोडियम प्रोड्यूस होगा वो मरकरी में घुल जाएगा, इसलिए रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएंगे। नेक्स्ट, अगर कॉपर नाइट्रेट एक्वस लिया, एनोड भी कॉपर का लिया और कैथोड भी कॉपर का, ध्यान से देखो, तो कैटायन आपके पास कौन है? Cl+2 और एनायन कौन है? नाइट्रेट। तो एनोड पे कौन जाएंगे? एनायन। तो इसका तो ऑक्सीडेशन होगा नहीं, राइट? क्यों? क्योंकि ये CbI का पार्ट नहीं है। तो अब किसका होगा? तो अब वाटर को ऑक्सीडाइज नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि मेटल जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मेटल ऑक्सीडाइज ईजिली, तो यहाँ पे ध्यान देना है, इसलिए ये रिमार्क्स में ये पॉइंट में यहाँ पे टिक कर रहा हूँ, ध्यान देना है कि अगर आपने एनोड भी कॉपर के लिया, कैथोड भी कॉपर का, तो एनोड पे एनायन जाएंगे, ये CbI का पार्ट नहीं है, इसलिए ये ऑक्सीडाइज नहीं होगा, यहाँ पे वाटर भी ऑक्सीडाइज नहीं होगा, क्योंकि मेटल उससे खुद ईजिली ऑक्सीडाइज हो सकता है, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडाइज कौन होगा? कॉपर पे ऑक्सीडेशन किसका हो जाएगा, सॉरी, एनोड पे ऑक्सीडेशन किसका होगा? कॉपर का, कॉपर चला जाएगा आपका Cl+2 में, और कैथोड पे कैटायन जाएंगे, ये छापा का पार्ट है, तो वहाँ पे वो कॉपर रिड्यूस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज, और यहाँ पे क्या हो रहा है? रिड्यूस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस हो रहे हैं इस केस में। सिमिलरली एक्वस H2SO4 लिया, एनाट इलेक्ट्रोड, तो आपके पास H+ है और SO4-2 है, राइट? कैथोड पे कैटायन जाएंगे, H+ है अभी, तो यही आपका हो जाएगा, तो कैथोड पे आपको H2 गैस मिलेगी। एनोड पे एनायन जाएंगे, बट एनायन CbI का पार्ट नहीं है, तो अब किसको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? वाटर को, तो वाटर ऑक्सीडाइज होगा तो क्या मिल जाएगा? O2 गैस, ध्यान देना है। सिमिलरली कॉन्क H2SO4 एनाट इलेक्ट्रोड, तो H+ है, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, तो यहाँ तो आपको H2 मिल जाएगा, एनोड पे एनायन जाएंगे, और अभी इसको ही ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, क्यों? कंसंट्रेटेड कंडीशन है, डेट मीन्स वाटर अगेन वेरी लेस अमाउंट में, तो इसको ही होना पड़ेगा, और ये होगा तो अभी बताया आपको क्या बनाना है, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड वाला एनायन H2OH-2, परऑक्सी लिंकेज होगा इसमें, डेट मीन्स ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच लिंकेज होगा ऐसे, तो ये -1 में। और अगर एल्युमिनियम सल्फेट ले रहे हो, एनाट इलेक्ट्रोड, तो कैटायन आपके पास एल्युमिनियम है और एनायन सल्फेट है, कैथोड पे कैटायन जाएंगे, कैटायन छापा का नहीं है, तो इसलिए वाटर रिड्यूस होगा, वाटर रिड्यूस होगा तो हाइड्रोजन गैस, और एनायन CbI का पार्ट नहीं है, इसलिए वाटर को ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा तो O2। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप ध्यान से एक मरतबा देख लो। मैंने
जाते जाते ज्ञान की बात, और डैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ध्यान से देखो, जब ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर करा रहे हो आप, तो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए आपने प्रोडक्ट साइड में इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, राइट। अब ये रिएक्शन को कैसे लिखें? ये रिएक्शन को रटना नहीं है, समझो मेरी बात को। वाटर के बारे में आपको मालूम है कि ऑक्सीजन से हाइड्रोजन अटैच है। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर देखें तो हाइड्रोजन का प्लस वन होगा, इस हाइड्रोजन का प्लस वन और इसका माइनस टू होगा। और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो आप खुद ही सोचो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हाइड्रोजन कर सकता है? नहीं, ऑलरेडी वो भिखारी है, उसके पास तो अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा प्लस वन ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो ये कभी भी लूज नहीं कर सकता इलेक्ट्रॉन। तो लॉस कौन करेगा? ऑक्सीजन करेगा, राइट। तो ऑक्सीजन माइनस टू से किस में जा रहा? जीरो में, तो इसलिए ओ टू बना दिया, राइट। चूंकि एच प्लस का कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ओनली ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं, तो इधर अगर ये H प्लस में, तो इधर भी H प्लस में ही रहना चाहिए, तो इसलिए मुझे यहाँ पे दिखाना पड़ रहा है H प्लस, राइट। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, अब बैलेंस करना है, तो अब यहाँ दो ऑक्सीजन था, तो इसलिए मुझे यहाँ टू करना पड़ेगा, राइट। तो चार हाइड्रोजन हो गया, तो चार H प्लस, चार प्लस को बैलेंस करने के लिए, क्योंकि इधर कोई चार्ज नहीं है, राइट, वाटर न्यूट्रल है, तो इधर भी चार प्लस और चार माइनस से चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आपको ऑक्सीडेशन के रिएक्शन को रटना वाटर का, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस कौन कर सकता है? ऑक्सीजन है, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन के पास तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, और जो कंडीशन में हाइड्रोजन इस इधर है, उसी कंडीशन में इधर भी होना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग ओनली ऑक्सीडेशन। वैसे ही आ जाओ रिडक्शन रिएक्शन अगर वाटर का लिखना हो, तो रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अगेन गेन कौन करेगा? गेन आपका हाइड्रोजन करने वाला है, क्योंकि यही भिखारी है, राइट, इसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, यही प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अगर आपका इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो H प्लस से वो किस में आ गया? H2 में। ऑक्सीजन को अगेन कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि वी आर टॉकिंग ओनली रिडक्शन, डैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन ऑलरेडी यहाँ पे माइनस टू है, तो यहाँ पे भी वो माइनस टू में होना चाहिए, इसलिए एक हाइड्रोजन को अटैच करके रखा, उसकी वजह से एक माइनस आया, और इस माइनस की वजह से इस पे एक माइनस आया, तो ये माइनस टू, क्योंकि ऑक्सीजन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में। हाइड्रोजन में चेंज हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ प्लस वन से जीरो में जा रहा है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। इसलिए वाटर का जब भी रिडक्शन करोगे तो हाइड्रोजन गैस मिलेगी, और वाटर का ऑक्सीडेशन करोगे तो ऑक्सीजन गैस मिलेगी। और याद कैसे रख सकते हैं? ओ फॉर ऑक्सीडेशन, ओ फॉर ऑक्सीजन, राइट। रिडक्शन मतलब ही क्या होता है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन मिलेगा। ये रिएक्शन कैसे हो रही है, ये चीज़ बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। नाउ एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ध्यान से देखो, H प्लस क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। तो इससे क्या होगा? अगर वाटर मोर ऑक्सीडाइज होंगे, तो आपका सोल्यूशन कैसा होता जाएगा? एसिडिक नेचर में। दैट मीन्स pH क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा, या pH क्या होगा? 7 से कम होगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि किसी एक्वस इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम इलेक्ट्रोलाइज कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन का कंडीशन क्या होगा? एसिडिक हो जाएगा, बेसिक हो जाएगा, न्यूट्रल रहेगा, पीएच के बारे में, तो ये सब पूछा जाए तो यहाँ से समझ में आएगा। सिमिलरली जब रिडक्शन हो रहा है वाटर का, तो ध्यान से देखो क्या प्रोड्यूस हो रहा है? OH माइनस, डैट मीन्स बेसिक करेक्टर सोल्यूशन का बढ़ेगा। OH माइनस बढ़ने की वजह से सोल्यूशन बेसिक हो जाएगा नेचर में, पीएच आपका बढ़ेगा, डैट मीन्स पीएच 7 से ज़्यादा होगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ज्ञान की बात बहुत इंपॉर्टेंट होती है।